तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube से रिलेटेड एक और बड़ी प्रॉब्लम पर। अब ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा YouTube चैनल टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, डिलीट हो जाता है YouTube से। अब ये तीनों चीजें क्यों होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में और आप लोगों ने उस वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा ये बात इसलिए बताने वाला हूँ कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं यूट्यूब से। वो फिर मुझे डीएम करते हैं और डीएम करने के बाद बता रहे होते हैं कि सर हमारा चैनल जो है वो टर्मिनेट, सस्पेंड, डिलीट हो चुका है, अब आप रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को वापस करके दें, रिकवर करें। अब रिकवर करने की सूरत हाल क्या है, क्या वजह है, कैसे रिकवर होता है यूट्यूब चैनल, तो उसके पीछे रीजन है। अब अगर आपका कंटेंट जो है वो सही था, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपका चैनल सस्पेंड, डिलीट या टर्मिनेट हुआ क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने किसी का कंटेंट लिया, अगर आपने किसी भी चैनल के कंटेंट को लिया, उसके ऊपर आपके पास 3 या 4 स्ट्राइक्स आ गई, आने के बाद आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया गया, डिलीट किया गया, टर्मिनेट किया गया, तो अब क्या है, इस सूरत हाल में कोई भी क्रिएटर आपके चैनल को वापस नहीं कर सकता, आपके चैनल को वापस नहीं ला सकता। अब ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन उनके चैनल के ऊपर क्या होता है कि स्ट्राइक्स दे देते हैं बड़े क्रिएटर्स, बड़े चैनल जब देखते हैं कि ये चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है तो वहां पर उनको फेक स्ट्राइक्स दी जाती हैं। अब अगर आपके पास भी फेक स्ट्राइक आती है तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपील फॉर्म मैंने आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम क्रोम ब्राउज़र पर और वेबसाइट पर, तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। सबसे पहले काम आपको यहाँ पर करना है योर फुल नेम, आपके चैनल का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर पूरा दे देना है। अब यहाँ पर कुछ अपने ही नाम से चैनल होते हैं तो वो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। अब जिस ईमेल आईडी अभी आपके पास लॉगिन है वो यहाँ पर आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, आपको उसको रिमूव करना है। जो ईमेल आईडी आपके चैनल की है जो सस्पेंड या टर्मिनेट हुआ है वो आपको यहाँ पर देनी होती है। अब ये आप लोगों को पहले से लिख लेना चाहिए जब भी आपका चैनल क्रिएट करें आप, तो यहाँ पर वो देने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होता है जिस पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके, जिस पर आपको ईमेल की जा सके, वो ईमेल आपको देनी है। फिर उसके बाद आपको जो सस्पेंड चैनल है उसका यूआरएल आपको देना होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो लास्ट इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है अपनी प्रॉब्लम को कि आपको क्यों फेक स्ट्राइक देकर आपके चैनल को सस्पेंड, टर्मिनेट या डिलीट किया गया है। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी और आपने जो है वो कंटेंट में कोई गलती नहीं की होगी तो आपकी अपील जो है वो सुनी जाएगी और आपके चैनल को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी गलती होगी तो आपकी अपील को भी रिजेक्ट किया जाएगा और आपके चैनल को टर्मिनेट, सस्पेंड ही रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई। अगर आपको बात समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।